इस वीडियो में हम बात करेंगे रेसलमेनिया 34 में होने वाले रोमन रीन्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर के मैच के बारे में, जिसमें हमें एक शॉकिंग चेंज देखने को मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि ब्रॉक लेसनर का WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, और इस बात के पूरे चांसेस हैं कब ब्रॉक लेसनर अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करवाएंगे। इस बात का हिंट हमें UFC के ओनर डीना व्हाइट ने ही दे दिया, जब डीना व्हाइट ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर यह फोटो अपलोड की। अगर आप ध्यान से देखें तो ब्रॉक लेसनर की शर्ट पर UFC लिखा हुआ है, तो आप ही सोच सकते हैं कि क्या हो सकता है, क्योंकि ब्रॉक लेसनर ऐसी वैसी कंपनी को तो प्रमोट ही नहीं करते। उन्होंने UFC की शर्ट डाली हुई है, तो यह तो लगभग ऑफिशियल होता हुआ नजर आ रहा है कि ब्रॉक लेसनर की बातचीत शुरू हो चुकी है डीना व्हाइट से UFC के रिटर्न को लेकर। तो अब बात करते हैं रेसलमेनिया में होने वाले ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रीन्स के मैच के बारे में। एक बड़ा चेंज हमें इस मैच में दिख सकता है, और वो है पॉल हीमन का क्लाइंट चेंज। जी हाँ, पॉल हीमन अपना क्लाइंट चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यह तो लगभग कंफर्म्ड है कि ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया के बाद WWE को छोड़ देंगे। मतलब ब्रॉक लेसनर अपना रेसलमेनिया मैच हारेंगे, क्योंकि ब्रॉक लेसनर यूनिवर्सल चैंपियनशिप को UFC में तो नहीं लेकर जा सकते। तो ब्रॉक लेसनर इतनी आसानी से नहीं हार सकते यूनिवर्सल चैंपियनशिप रेसलमेनिया में। WWE ने कुछ बड़ा सोचा होगा ब्रॉक लेसनर को हरवाने का प्लान। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि उस मैच में कोई सुपरस्टार जैसे बॉबी लेशली रिटर्न करेगी। ब्रॉक लेसनर की हार पॉल हीमन के हाथों हो सकती है, क्योंकि WWE के कोई स्टोरीलाइन भी क्रिएट हो जाएगी आगे के लिए। जब भी ब्रॉक लेसनर अपना रिटर्न्स करेगा, 1-2 साल बाद जब भी, इस बात के रूमर्स कोई WWE की ऑफिशियल साइट से नहीं आए हैं। यह रूमर्स जो WWE के न्यूज से पता चलती है वो होती हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और WWE की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।